हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आ गए हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, वो भी व्हाट्सएप से रिलेटेड। व्हाट्सएप के दो नया ट्रिक आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अभी थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, तो नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है ना? बाहर अभी शूट कर रहा हूँ। तो चलिए यार, वो जो दो नया ट्रिक्स है आपको बताऊँगा व्हाट्सएप पे, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है। तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो कर लेते, फटाफट से स्टार्ट। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे टेक्निकल अपडेट इन हिंदी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप को जो है अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर में जाके, ठीक है ना? सबसे पहले अपडेट कर लीजिए, करने के बाद ओपन कर देना है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो टिप्स ट्रिक्स क्या है, ठीक है ना? बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। तो देखिए, सबसे पहला जो ट्रिक है ये ग्रुप मैसेज को लेके, ठीक है ना? मान लीजिए कोई भी ग्रुप में किसी ने आपको मैसेज किया है, ठीक है ना? मतलब सबको तो मैसेज करते हैं, तो कोई भी एक मैसेज आया है, मान लीजिए ये मैसेज आया है, तो इसको आप प्राइवेटली जो है वो आप इसको रिप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो मैसेज है इसको आप प्राइवेटली रिप्लाई दे सकते हो। कैसे? लॉन्ग प्रेस करना है, क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, तो ऊपर जो ऑप्शन है रिप्लाई प्राइवेटली, यहाँ पर क्लिक करना है और जो कुछ भी रिप्लाई वगैरह जो कुछ भी आपको देना है, ठीक है ना? तो ये हो गया प्राइवेटली रिप्लाई। वहाँ पर जाकर आपको मैसेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसका सर्च करके उसका नंबर सेव हो या सेव नहीं हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने उसको प्राइवेटली रिप्लाई दे दिया हूँ और वो भी देख पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं लगेगा कि भाई हाँ उसको क्या मैसेज किया क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं चलेगा। प्राइवेटली उसका नंबर सेव हो या अनसेव हो, फिर भी उसको डायरेक्टली जाएगा, आपको खोजने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप उसका नंबर को सेव करने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहला जो ट्रिक है ये है। दूसरा जो है क्या है, मान लीजिए मैसेज आया है कुछ भी, तो दूसरा ट्रिक है, वो बहुत ही कमाल का ट्रिक है, ठीक है ना? मान लीजिए ये मैसेज आया है, देख सकते हो, सॉरी सर, तो यहाँ पर सिंपल सा कर देना है क्लिक। ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हो स्टार वाला, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हो ये स्टारेड मैसेज हो जाता है, ठीक है ना? ये अलग से सेव होकर रह जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चेक करोगी स्टारेड मैसेज, तो ये वाला आएगा, ठीक है ना? ये अलग सा रह जाएगा, यहाँ पर डिलीट ये वाला डिलीट नहीं होगा, ये अलग सा रहेगा। डिलीट करने के लिए चाहते हो तो ये डिलीट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ये अलग सा रह गया है, आप जब भी चाहो तो यहाँ पर आके स्टारेड मैसेज को क्लिक करके आप चेक कर सकते हो क्या स्टारेड मैसेज है, किन किन मैसेज को आप स्टारेड करने के लिए चाहते हो, तो आप यहाँ पर आके डायरेक्ट स्टारेड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना? सिंगल सिंगल ही आप स्टारेड कर सकते हो, ठीक है ना? तो अब स्टारेड के और एक फ़ायदा आपको यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये जो ट्रिक है काफ़ी कमाल का है। मान लीजिए आप ये जो बहुत सारा मैसेज है ग्रुप का, किसी 500 मैसेज को आप रखने के लिए चाहते हो, बाकी सब डिलीट करने के लिए चाहते हो, तो ऐसे सिलेक्ट करके डिलीट सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट कर जाओगे तो आपको रात बीत जाएगा, ठीक है ना? तो सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, सिंपल सा कर देना है यहाँ पर सिलेक्ट। यहाँ पर देखते हो, मान लीजिए इसको स्टार कर दिए, 1 2 3 स्टार मैसेज कर दिए, और आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर जाना है मोर, देन आपको क्या करना है यहाँ पर क्लियर चैट यहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैसेज, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, सिंपल सा देख सकते हो, आर यू श्योर यू वांट टू क्लियर मैसेज इन द चैट, डिलीट मीडिया इन दिस चैट, डिलीट स्टारेड मैसेज। अगर यहाँ पर कर देते हो वो स्टारेड मैसेज भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर टिक नहीं करना है, सिर्फ ये वाला, बाकी सब डिलीट करना है स्टारेड के छोड़ के। तो सिंपल सा कर देना है क्लियर मैसेज, और ये देख सकते हो जो मैंने स्टारेड किया था सिर्फ वही मैसेज यहाँ पर रहा, और बाकी मैसेज सब डिलीट हो गया, मुझे एक एक करके सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए नहीं पड़ा। तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा। और एक बार मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिए इसको स्टारेड, ये ऑलरेडी स्टारेड मैसेज है तो ये इंस्टॉल कर देते हैं। देखिए ये दो स्टारेड कर देता हूँ, बस ये स्टारेड रहेगा, डायरेक्ट ढूंढोगे तो ये पता चल जाएगा, यहाँ पर आके स्टारेड मैसेज, तो यहाँ पर
कौन क्या मैसेज किया यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो कि ठीक है ना, हॉटस्टार भी कर सकते हो, हॉटस्टार ऑल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख सकते हो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, अब आपको सिर्फ स्टारर मैसेज छोड़ के और बाकी सबको डिलीट करना है। तो सिंपल सा आना है यहाँ पर, मोर पे आना है, क्लियर चार्ट, तो यहाँ पर और एक ऑप्शन यहाँ पर चला आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर स्टारर मैसेज को ऑन टिक करना है, ये टिक करना है, डिलीट मीडिया इन दिस चार्ट क्लियर मैसेज क्लिक करना है, डिलीट हो गया और स्टारर मैसेज यहाँ पर सेव होकर रहेगा और आपको एक एक करके सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए नहीं पड़ेगा, रात बीत जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है ये। तो दोस्तों ये था दो नया ट्रिक्स व्हाट्सएप के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं है वीडियो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।